चिली राइस। हाँ तो ये हमें मिल चुकी है ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे बता दूँ 50 क्वांटिटी मैंने बाय की है एंड 172 कुछ का प्रॉफिट है। एंड गाइस जो मैं एसएल लेके चल रहा हूँ वो काफ़ी नीचे का लेके चल रहा हूँ, 22,015 कुछ का डाला हुआ है, और लेकिन मुझे इसके थोड़ा ज़्यादा ही नीचे का रखना पड़ेगा, नियर अराउंड 22,000, सॉरी 21,999 कुछ, ठीक है 21,999 कुछ का गाइस एसएल जो है वो बनता है। बट चलिए 105 पॉइंट ही अब बनेंगे, तो अभी 165-247 के 100 के लॉस के साथ हम चल रहे हैं। सो गाइस रीज़न क्या है इसको बाय करने का, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था गाइस, इसको इसने ना यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और इसको मैंने 15 मिनट पे चेक किया था, वाकई में ये सही एक ब्रेकआउट था, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, मार्केट एकदम से नीचे 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 यहाँ आती है, यहाँ आती है, एंड काफ़ी टाइम से मार्केट जो है वो नीचे ही है तकरीबन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा मार्केट काफ़ी टाइम से नीचे है। तो गाइस जिन्होंने भी मतलब यहाँ पे एक बाइंग की होगी इस लेवल पे, वो कहीं ना कहीं अपने एसएल हिट करके जा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, नो डाउट कि वो अपने एसएल हिट करके जा चुके हैं। अब गाइस ये दोबारा जब नीचे आई एंड अगेन इसने आप कह सकते हो कि इसी लाइन को जब प्रॉपर तरीके से यहाँ से सपोर्ट लेके ही मतलब ये ऊपर गई, तो मैंने जो है यहाँ पे एंट्री ली है। क्यों एंट्री ली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो लेवल है, ये लेवल जो था काफ़ी एक बाइंग क्राइटेरिया था, यहाँ से ये ऊपर जाती थी ऊपर जाती थी, एंड अगेन इसको इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो दैट्स वाई जैसे ही इसको इसने क्रॉस किया, तो वही मैं कह रहा हूँ 22,127 कुछ के करीब मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। गाइस ऐसे केस में जो मेरा एक टारगेट होगा वो कहाँ पे होगा, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। गाइस ऐसे केस में मेरा जो टारगेट है वो है ये वाली लाइन, यानी कि आप देख सकते हो ये है 22,250 के करीब मेरा टारगेट है। अब ये वाला टारगेट क्यों है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये पिछले दिन की है, याद रखिएगा ये पिछले दिन की है। तो 22,230 लगा देता हूँ मैं, यहाँ 41 लगा देता हूँ, 22,241 लगा देता हूँ, ठीक है 22,249 का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टारगेट, एंड यहाँ पे भी लगा देता हूँ 22,241, ठीक है 50 तक कुछ बन रहा है लेकिन मैं 41 तक लेके चलूँगा। चलिए ये हो गया, और चलिए 1,500 कुछ का प्रॉफिट आ रहा था हमें अभी जस्ट, अगर आपने देखा होगा, एंड ऊपर आ चुकी है ये 1,227 कुछ तक। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप देख सकते हो कैसे इसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई है यहाँ पे, मैं ये लेवल का वेट कर रहा हूँ। गाइस देखिए जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी उनके एसएल हिट हो चुके हैं, एंड गाइस अब मार्केट जो है हमें ये वाला लेवल दिखाएगी, हम लोग यहाँ तक तो वेट कर सकते हैं या फिर ये वाला लेवल जो है 200 कुछ का यहाँ पे भी हम वेट कर सकते हैं। तो करेंटली अभी हम 1,800 के 1,900 के प्रॉफिट के साथ नियर अराउंड चल रहे हैं, 3,400 कुछ का प्रॉफिट था अभी, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, 200 के करीब करीब हम निकलने की कोशिश करेंगे। 2,700 कुछ हो गया, 3,400 हो गया, 3,200 हो गया, एंड चलिए 3,400 कुछ आ रहा था गाइस हमें। तो यही चीज़ मैं आपको सुबह भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि गाइस मार्केट जो है वो आपके सिर्फ एसएल हिट करती है। देखिए मैंने ग्रुप के अंदर भी यही चीज़ मेंशन की, वही डिस्कशन चल रही थी कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, यहाँ से जाएगी जाएगी जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले एसएल हिट किए। अब देखो यहाँ पे ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल ग्रीन बन गई है, सो अभी चांसेस वेरी हाई कि ये यहाँ तक जाए, ठीक है। चलिए आ गई है थोड़ी ऊपर यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा एक रिस्क जो है वो एक देखने को तो मिल रहा है मुझे। एक्चुअली रिस्क क्या है, यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ये एक जोन है, फर्स्ट टाइम यहाँ आई है तो एक बार टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है। सो हम लोग ये देखो ये एटीआर होती है, ये मैंने यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी हमें देखने को मिल रहा है, 162 हो गई। तो गाइस मैं अभी एक काम करूँगा, मैं अपना जो एसएल है वो थोड़ा ऊपर लेके आ जाऊँगा, 22,060 कुछ का मैं एसएल जो है वो अपना लगा दूंगा। नियर अराउंड हम 1,400 1,500 के 3,400 के प्रॉफिट के साथ चल रहे थे गाइस, तो चलिए अभी मैं बैठा हूँ उसी लेवल पे, और 22,055 का गाइस मैं एसएल लगा देता हूँ, 22,055, ठीक है। अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम यहाँ पे, तो 22,055 कुछ का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 22,055
चलिए तो ये गाइस 22,055 कुछ का मैंने एसएल लगा दिया है, एंड अभी हम 780 1200 के प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं। अच्छा वाला 3400 का प्रॉफिट आ रहा था जो हमने बुक नहीं किया, वहाँ से ये डाउन आ गई। बट मेरे हिसाब से अब मार्केट जो है वो आप जानी चाहिए, जस्ट एक बार रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल को आ सकती है। बट यहाँ से मेरा जो मानना है मार्केट यहाँ तक जाएगी। ये जो अभी एक ग्रीन कैंडल बनी है ये काफ़ी अच्छी एक बाइंगिंग कैंडल है, सो आई बिलीव दैट मार्केट विल बी टच दिस पॉइंट। 246 को टच करने के लिए मार्केट जरूर जाएगी, तो मैं उस पॉइंट का वेट करूंगा। मेरा एसएल है यहाँ पे कहीं 22,048.55 के करीब, तो 48 सही एसएल बनेगा। चलिए 22,048 हम लगा देते हैं। 55 थोड़ा मतलब पास का लग रहा है मुझे, तो 22,047, ठीक है 22,047 कुछ का मैं एसएल लगा देता हूँ यहाँ पे। चलिए 22,000 अगर हिट कर गई तो भाई किस्मत खराब है हमारी, ठीक है। 3,400 प्रॉफिट आ रहा था जो कि हमने बुक नहीं किया है। चलिए गाइस तो अभी हमें वेट करना है 1,000 के प्रॉफिट के साथ, 600 के प्रॉफिट के साथ ही हम 1,100 के चल रहे हैं, तो वेट कीजिए गाइस, देखते हैं क्या बनता है। हे गाइस अगेन वेलकम, बैंक निफ्टी नियर अराउंड मेरी कॉस्ट के आसपास ही दोबारा से आ चुकी है, एंड हम 950,000 के प्रॉफिट की तरफ आ चुके हैं, जहां पे हमें 3,400 का प्रॉफिट हो रहा था। 1,000 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी थी, अभी जस्ट मैं इसको देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे। तो गाइस अब मैंने कुछ यहाँ पे डिसाइड किया है, और वो डिसाइड ये किया है कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। मेरे हिसाब से अब मार्केट को यहीं से एक मूव देना चाहिए कुछ इस तरह से। गाइस ये जोन बना है इस तरह एंड दिस विल बी कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब ये जो एक अप ट्रेंड आया है यहीं से मार्केट को अप जाना चाहिए, अदरवाइज अगर मार्केट ने अप नहीं जाना है तो मार्केट यहाँ पे नीचे का हमें एक लेवल दिखाएगी और एसएल जो है वो हिट करने के लिए फटाफट से आने की कोशिश जो है वो करेगी। तो कुछ ही देर में अगर एक बड़ी कैंडल नहीं बनती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी हमें जो प्रॉफिट बुकिंग है वो करनी होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बिताएगी, मार्केट फटाफट से ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश करेगी। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे जाती है तो फिर हमारे एसएल वगैरह जो है वो तगड़े वाले हिट हो सकते हैं, और ये बिल्कुल नीचे जा सकती है मार्केट यहाँ से। फिलहाल के लिए आपको पता ही है कि मेरा एसएल 48 मतलब यहाँ पे कहीं है, और अभी ये चल रही है यहाँ से, तो मैं टोटल आपको लॉस यहाँ पे दिखा दूँ कि जो मुझे हो सकता है इसके अंदर। तो गाइस मैंने 22,120 पे बाइंग की है 50 क्वांटिटी, माइनस 22,148 पे मैं तकरीबन यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। तो इस हिसाब से मुझे सॉरी 22,120 पे बाइंग की है, माइनस 21,148 पे एग्जिट करूँगा। तो गाइस नाइन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रही है गाइस, चलिए एक मिनट गाइस गलत हो गया। देखिए 22,120 पे ली है, माइनस 22,048 पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो नियर अराउंड 72 × 2 मतलब 144 पॉइंट का मैंने रिस्क यहाँ पे लिया है। तो × 25 क्वांटिटी यानी कि 3,600 के करीब करीब मेरा यहाँ पे लॉस है गाइस, ये बात ध्यान रखिएगा 3,600। तो इतना प्रॉफिट भी गाइस, ये जो कैंडल बनी है ये बड़ी खतरनाक वाली कैंडल बनी है भाई, यहाँ से अब नीचे जाने के ही ज़्यादातर चांसेस हैं। अगर मार्केट गाइस ये नीचे जाने के चांसेस हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी के नीचे जाने के बड़े हाई चांसेस हैं, तो मैं यहाँ पे अपने एसएल के साथ रेडी रहता हूँ। चलिए मैंने डाला हुआ है 48 का, अगर वो हिट कर जाती है तो भैया फिर यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या बनता है। गाइस वेट कीजिए प्लीज। हे गाइस अगेन वेलकम, मार्केट दोबारा ऊपर आई है और अभी मार्केट ने हाई लगाया है 163 का, और हम दोबारा से प्रॉफिट में आ चुके हैं। 2,1800 1,900 के 2,300 के प्रॉफिट के साथ हम चल रहे हैं अगेन, तो पता नहीं मार्केट क्या करने वाली है। चलिए यहाँ पे एक बिग कैंडल बन चुकी है, एंड आई बिलीव दैट कि मेरा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है, 214 कुछ आ चुकी है, एंड चलिए यहाँ पे 224 पे हम बुक करते हैं ये वाला लेवल। एंड गाइस चलिए मैंने टोटली यहाँ पे 4,300 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। बहुत टाइम वेट किया, बहुत टाइम इसका इंतजार किया, बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख सकते हो 227 वो जो लेवल था वहां तक ही मार्केट गई है,
तो ये चीज़ होती है गाइस, पहचानना पड़ेगा आपको मार्केट को, समझना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्यों की, क्योंकि गाइस देखिए मेरे जो लेवल्स थे वो कुछ यहाँ पे बनते थे ये वाले, ठीक है, बट ये वाले लेवल जो थे वो अब यहाँ पे नहीं बन रहे थे, ये वाली लाइन नीचे आ चुकी थी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक किया फटाफट से, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस नीचे भी आ सकता है। लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट आ चुकी है 217 कुछ पे आ गई है, और मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड मैंने किया है फटाफट से वो किया है नियर अराउंड 208 के करीब। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्राइस है, मतलब एक्चुअली क्या है कि इस लाइन के पास ही सेलिंग थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। जब हम यहाँ पे थे तो ये वाला टारगेट था, अब यहाँ आए तो ये वाला टारगेट था। तो गाइस टोटली वी आर बुक्ड नियर अराउंड, आपको बता दूँ कि 4397 रुपीज़ कुछ मैंने यहाँ पे बुक कर लिए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर।